गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन मोतीलाल नेहरू स्कूल एंड टुडे वी विल रीड लेसन 4 माई फाइनेंशियल करियर बाय स्टीफन लीकॉक। इन दिस लेसन द नरेटर हिमसेल्फ इज द स्पीकर। ही शेयर्स हिज ओन एक्सपीरियंस व्हेन ही गोज टू बैंक एंड बैंक एम्प्लॉयर्स लाफ एट हिम। वो अपना खुद का एक्सपीरियंस इस पूरे चैप्टर में बता रहे हैं कि कैसे एक बार उन्हें बैंक जाना पड़ा और कैसे वहाँ जो जितने भी एम्प्लॉयर्स थे उनकी हंसी का वो कारण बन गए। तो हम इस लेसन में रीड करेंगे कि वो सभी किस वजह से हंसे थे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड एंजॉय द ह्यूमरस स्टोरी। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द लेसन। व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गेट रैटल्ड। रैटल्ड मीन्स कन्फ्यूज्ड और नर्वस। जब भी मुझे बैंक जाना होता तो मैं हमेशा ही कंफ्यूज्ड और नर्वस हो जाता था। वहाँ के क्लर्क, वहाँ के जितनी भी विंडोज़ हैं, काउंटर्स हैं, वहाँ पड़ा हुआ बहुत सारा पैसा, हर एक चीज़ मुझे कंफ्यूज कर देती थी। जिस क्षण या जब भी कभी मुझे बिजनेस ट्रांजैक्ट के लिए बैंक जाना होता तो मैं एक इर्रिस्पॉन्सिबल इडियट बन जाता। मतलब मैं वहाँ बेवकूफ़ों वाली हरकतें शुरू कर देता था। मैं जानता था कि ये काम, बैंक जाने वाला काम, मेरे लिए इजी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मेरी सैलरी में $50 इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से मुझे लगा कि बैंक ही एक ऐसी जगह है जहां इस पैसे को रखा जा सकता है, मीन्स वहीं उसका पैसा सेफ होगा। तो वो घबराते हुए वहां पहुंचता है और इधर उधर क्लर्क की तरफ देखता है। आई हैड एन आइडिया, मीन्स मेरे माइंड में एक सोच यही थी कि जब भी कोई भी अकाउंट खुलवाना हो तो हमें मैनेजर से मिलना पड़ता है। इसलिए मैं वहाँ एक खिड़की जिस पर अकाउंटेंट लिखा हुआ था, मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि वो जो अकाउंटेंट है वो उसे बहुत डरावना लग रहा था। तो वो अकाउंटेंट का फेस भी उसे उसकी घबराहट को और बढ़ा रहा था। तो मैंने धीरे से आवाज़ में उनसे कहा कि क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ, क्या मैं अकेले में उनसे मिल सकता हूँ। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता था कि मैंने अकेले वर्ड का क्यों यूज़ किया। सर्टनली जो अकाउंटेंट होता है वो कहता है क्यों नहीं, आप उनसे मिल सकते हैं, वो मुझे उनके पास तक लेकर जाता है। मैनेजर एक शांत स्वभाव का व्यक्ति लगता है और मैंने अपने हाथ की मुट्ठी में $56 पकड़े हुए थे और मैं वहाँ गया और उनसे मैंने कहा कि आर यू द मैनेजर, क्या आप मैनेजर हैं। भगवान जानते हैं कि मुझे इस बात का कोई शक नहीं था कि वो मैनेजर हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों पूछा कि क्या आप मैनेजर हैं। उसने कहा हाँ मैं ही मैनेजर हूँ, कैन आई सी यू। तो मैंने उनसे कहा कि क्या मैं अकेले में आपसे मिल सकता हूँ। मैंने फिर से अकेले वर्ड का यूज़ किया, लेकिन मैं नहीं जानता कि अकेला वर्ड मेरे मुँह से बार बार क्यों निकल रहा था। तो जो मैनेजर थे उन्हें लगा कि शायद कुछ कोई और बात है, तो ही फेल्ट दैट, उसे लगा कि मैं शायद कोई सीक्रेट, कोई राज उसे बताना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि हाँ अंदर आ जाओ। तो वो उसे अपने प्राइवेट रूम में ले जाते हैं और वो की के साथ उस लॉक को खोलते हैं। तो मैनेजर उससे कहता है कि यहाँ हमें कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा, मतलब हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैनेजर ने मुझे बैठने के लिए कहा, हम दोनों बैठ जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे उनसे क्या बात करनी है। तो मेरे इस बिहेवियर को देखते हुए मैनेजर ने मुझसे कहा कि क्या आप पिंकर्टन, पिंकर्टन एक डिटेक्टिव एजेंसी का नाम था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं कोई डिटेक्टिव हूँ, क्या मैं पिंकर्टन डिटेक्टिव एजेंसी से आया हूँ। तो मेरा ये जो मिस्टीरियस, जो रहस्यमय जो तरीका था उनसे बात करने का, इससे उन्होंने आइडिया लगाया कि मैं कोई डिटेक्टिव हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं पिंकर्टन का आदमी नहीं हूँ। इससे ऐसा लग रहा था कि मैं पिंकर्टन का नहीं बल्कि उसकी कोई विरोधी एजेंसी से आया हूँ। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उनसे कहता हूँ कि ये सच नहीं है, मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ, मैं आपकी जो बैंक है उसमें मैं एक अकाउंट, एक खाता खुलवाने के लिए आया हूँ, जिसमें कि मैं अपना सारा पैसा बैंक में रख सकूँ। मैनेजर थोड़ा रिलैक्स हो गया, लेकिन अब भी उसके चेहरे पर सीरियसनेस थी। उसने सोचा कि शायद मैं बड़ा अकाउंट खुलवाने के लिए आया हूँ, शायद मैं बैरन रोथ चाइल्ड,
जो एक अमीर कारोबारी यहूदी खानदान था उससे रिलेटेड हूँ, या फिर गाउल्ड, गाउल्ड एक अमेरिकी बिजनेसमैन था उनसे संबंधित हूँ और मैं बहुत बड़ा अकाउंट खुलवाने के लिए आया हूँ। तो मैनेजर ने मुझसे कहा कि क्या आप बहुत बड़ा अकाउंट खुलवाना चाहते हैं? तो मैंने कहा हाँ, मैं बड़ा अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ। मैं $56 जमा करूँगा और हर महीने $50 जमा करवाया करूँगा। तो मैनेजर को गुस्सा आ गया और वो खड़ा हो गया और उसने दरवाज़ा खोला और अकाउंटेंट को उन्होंने आवाज़ लगाई। अकाउंटेंट का नाम मिस्टर मोंट गोमरी था और उन्होंने, मैनेजर ने मोंट गोमरी से कहा कि ये जो व्यक्ति हैं ये अपना अकाउंट खुलवाने के लिए आए हैं, इनका अकाउंट खोल दो और उसमें $56 डिपॉजिट कर दो। खड़े उन्होंने मुझसे गुड मॉर्निंग बोला, मैं खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद वहाँ कमरे में एक बड़ा सा आयरन डोर था। मैं खड़ा हुआ और गुड मॉर्निंग बोलते हुए मैं उस आयरन डोर की तरफ बढ़ा, जो कि एक बड़ी अलमारी थी, एक बड़ा सेफ था। तो मैनेजर ने आवाज़ मुझे लगाई और मुझे कहा कि वहाँ से बाहर आ जाओ, वो दरवाज़ा नहीं है, दरवाज़ा दूसरी तरफ है। मैं अब अकाउंटेंट की जो खिड़की थी, काउंटर था, उसकी तरफ चला गया और जो मैंने अपनी मुट्ठी में पैसे $56 बॉल की तरह बनाए हुए थे वो उनकी तरफ रखे और जैसे कि मैं कोई जादू की ट्रिक दिखा रहा हूँ। उस समय मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। हेयर, ये पैसे हैं, ये रखे, इन्हें डिपॉजिट कर दो। मेरी आवाज़ के शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे, और ये पैसे डिपॉजिट कराने का काम बहुत मुश्किल हो। उसने मुझसे पैसे लिए और वो पैसे दूसरे क्लर्क को दे दिए। उसने वो अमाउंट, जो अमाउंट मुझे डिपॉजिट कराना था, वो उस पर लिखा और एक बुक पर मेरे साइन लिए। मैं नहीं जानता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, तो मैंने उनसे कांपती हुई आवाज़ में पूछा कि क्या ये डिपॉजिट हो गए? अकाउंटेंट ने कहा हाँ, ये डिपॉजिट हो गए। अब मेरे माइंड में ये आइडिया आया कि मैं $6 अपने आज के खर्चे के लिए निकाल लेता हूँ और $50 अपने अकाउंट में ही छोड़ देता हूँ। $6 निकलवाने के लिए मैंने चेकबुक की डिमांड की और किसी ने मुझे दूसरे काउंटर से मुझे चेकबुक दे दी और मुझे बताना शुरू कर दिया कि इसे फिल कैसे करना है। द पीपल इन द बैंक, जितने भी बैंक में लोग थे वो सभी मेरी तरफ देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बड़ा करोड़पति हूँ। आई रोट समथिंग, मैंने कुछ उस चेक पर लिखा और उसे क्लर्क की तरफ कर दिया। उसने उसे देखा, देखकर वो एकदम हैरान रह गया और उसने कहा कि क्या आप जो आपने डिपॉजिट कराया है उसे आप वापस निकालना चाहते हैं? वो हैरान था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ शायद मैंने $6 लिखने की बजाय उस पर $56 लिख दिए हैं। आई वॉज टू फॉर गॉन टू रीजन नाउ, अब ये चेंज करने का मेरे माइंड में कि मैं उन्हें बताऊं कि मैं 56 लिख गया हूं उस पर, 6 लिखने की बजाय। तो जितने भी क्लर्क थे उन्होंने लिखना बंद कर दिया और वो सभी मेरी तरफ देखने लगे। मैं उस समय अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहा था, तो मैंने कहा हाँ, मैं सब कुछ निकलवाना चाहता हूँ। यू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक? तो जो अकाउंटेंट था उसने मुझसे पूछा कि जितना आपने डिपॉजिट कराया है क्या उसे आप सारे के सारे पैसे निकालना चाहते हैं? तो मैंने कहा हाँ, मैं सारा पैसा उसमें से निकालना चाहता हूँ। क्लर्क ने हैरान होते हुए कहा कि क्या आप और ज़्यादा पैसे डिपॉजिट कराना चाहते हैं? तो मैंने कहा नहीं। मेरे दिमाग में बेवकूफ़ी भरी बात आई कि शायद ये लोग सोच रहे होंगे कि चेक भरते टाइम किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी और इस बैंक में अकाउंट खुलवाने का इरादा मैंने चेंज कर लिया। मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो जल्दी ही गुस्से में आ जाता हूँ। क्लर्क मुझे पैसे देने के लिए तैयार हो गया। उसने मुझसे पूछा कि आप ये पैसे कैसे लेंगे? तो मैंने कहा कैसे? तो क्लर्क ने मुझसे फिर से पूछा कि आप ये पैसे कैसे लेंगे? फिर मैंने बिना सोचे ही एकदम से उससे कहा कि $50 के नोट दे दो। उसने मुझे $50 का एक नोट दिया और फिर उसने मुझे $6 दिए। अपने पैसे लेकर मैं जल्दी ही बैंक से बाहर आ गया। जैसे ही मैं बड़े घूमने वाले दरवाजे से बाहर आया तो मुझे अपने पीछे से सभी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आई। उस दिन के बाद से मैं बैंक कभी नहीं गया। अब मैं अपने पैसों को, जो उसके पास मेरे पास कैश होते थे, उन्हें मैं अपनी ट्राउज़र पॉकेट में रखता था और जो पैसे मुझे बचाने होते थे
उन्हें मैं सिल्वर डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेता और उन्हें अपनी जुराबों में सेव करके रख लेता। अब मेरा बैंक मेरी सॉक्स थी। एंड द स्टोरी एंड्स हेयर। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कई बार खुद को नए माहौल में ढालना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसा करते हुए हम कई बार नर्वस भी हो जाते हैं और अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश में कई बार हंसी का पात्र भी बन जाते हैं। इस चैप्टर में राइटर का कहना कि वो मैनेजर से अकेले भी मिलना चाहता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है और मैनेजर का उसे डिटेक्टिव या करोड़पति समझना और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। और इस चैप्टर में कई बार राइटर बहुत सी गलतियां करता है, जैसे मेन डोर की बजाय सेफ अलमारी का जो डोर होता है उसके अंदर चले जाना, या फिर $6 लिखने की बजाय $56 लिख देना। ये सभी बातें नैरेटर की नर्वसनेस को शो करती हैं।